और उन जैसे प्रगतिशील सो कॉल्ड लोगों से पूछना चाहिए। प्रोटेस्ट के नाम पर यहाँ के दलित बहुजन लोगों को पिटवाते हो, एबीपी के सामने हम जैसे लोगों को आगे करते हो, लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है तो आप कहाँ छुप जाते हो? ऐसे वामपंथी लोगों पर शेम करते क्यों? जो फैकल्टी जहाँ बनी हुई है वह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति थी, उसको हटा दिया बाद में। इस कॉलेज ने, इस यूनिवर्सिटी ने वादा किया कि हम लगवाएंगे, लेकिन उसको गायब कर दिया, उसको हटा दिया। जो इस यूनिवर्सिटी में तमाम ऐसे प्रोफेसर को डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, उसको दोबारा उनका जॉब दी जाए और उनके लिए हम यहां लड़ेंगे। आज बेस जरूरी है एक साथ आना, और इस स्ट्रगल को भी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 108 दिन से चल रहा है, इस सब में भी आज देख रहे हैं कितने स्टूडेंट्स आए होंगे, 20-25, और बाकी स्टूडेंट्स कहां हैं? और एक सवाल इस यूनिवर्सिटी की उन तमाम सो कॉल्ड प्रगतिशील विचारधाराओं के लिए भी है जिनके अंदर लेफ्ट वामनिज्म है, वो कहां दिख रहे हैं? वो लोग टोकनिज्म के नाम पे रामदीस कॉलेज के घेराव करते हैं, लेकिन एक प्रोफेसर जो सौ से ज्यादा दिन के यहां लड़ रही है, उनके साथ कहां दिख रहे हैं वो लोग? हमको इस बात का सवाल अपनी क्लासों में और उन जैसे प्रगतिशील सो कॉल्ड लोगों से पूछना चाहिए कि आप लोग तमाम प्रोटेस्ट के नाम पर यहाँ के दलित बहुजन लोगों को पिटवाते हो, एबीपी के सामने हम जैसे लोगों को आगे करते हो, लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है तो आप कहां छुप जाते हो? ऐसे वामपंथी लोगों पर शेम करते क्यों करते? इसका रीजन है, लॉजिक है, एक रेशनल थिंग है कि आप लोग कहां छुप जाते हो? सुन रहे होंगे कैंपस में जब बैठे होंगे। और साथियों, हमारी लड़ाई संघ के साथ साथ एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की बनाने की भी है। और इस विश्वविद्यालय को अभी जिस प्रोटेस्ट चल रहा है, 3 मेजर डिमांड है स्टूडेंट्स और प्रोफेसर की तरफ से, कि एक सबसे पहले जो प्रोटेस्ट चल रहा है कि मुझे नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनी जॉब, आई वॉन्ट जस्टिस। तो न्याय की जो लड़ाई है तो सबसे पहले हमको न्याय चाहिए। दूसरा, जो 2009 में लो फैकल्टी जहां बनी हुई है वह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति थी, उसको हटा दिया बाद में। इस कॉलेज ने, इस यूनिवर्सिटी ने वादा किया कि हम लगवाएंगे, लेकिन उसको गायब कर दिया, उसको हटा दिया। देखते हैं 2018 में यहाँ पर सावरकर लगाया गया, उसके बाद में 2018 के वक्त यहाँ मूवमेंट थे, उन्होंने हटाया उसको। और एक और वही उसी उसमें आते हुए ऐलान करते हैं कि जहां ये बाबा साहब अम्बेडकर की पोर्ट्रेट लगी हुई है, हम वहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगाएंगे। साथियों, और एक बात और, कि स्टैचू लगाने का मतलब हमारा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग किसी की पूजा करते हैं। स्टैचू का मतलब कि हमारे आइडियाज इस यूनिवर्सिटी में दिखने चाहिए, हम लोग उस स्टैचू को देखकर, उस इगैलिटेरियन स्टैचू को देखकर, हमारे लोग जितने इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, तमाम बहुजन लोग, वो यूनाइट हो सके, वो बता सके कि यूनिवर्सिटी में यह शाखा लग सकती है, तो हमारा भी जमीर होना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में। और साथ ही तीसरी मांग है, जिस इस यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से एक आरएसएस लेग प्रशासन ने पूरी तरीके से यहाँ के तमाम ऐसे प्रोफेसर को खत्म करने की साजिश रच ली है, उसके खिलाफ, और जो इस यूनिवर्सिटी में तमाम ऐसे प्रोफेसर को डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, उसको दोबारा उनका जॉब दी जाए और उनके लिए हम यहां लड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं, मैं अपनी बात यहां खत्म करता हूं। एक बार फिर से उस नारों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, आपकी आवाज इस प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। तो जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, तो जाती बात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो संग बात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो आरएसएस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तो संग बात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो जाती बात नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तो आरएसएस दुखा बात, दुखा बात, दुखा बात, तो दुखा नहीं।
साथियों।